स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पिकार्ड्स मेथड के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिकार्ड्स मेथड आपका कहाँ पे अप्लाई होता है। पिकार्ड्स मेथड को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास dy/dx इज इक्वल टू f(xy) फंक्शन गिवन हो, तो हम उसकी पिकार्ड्स मेथड लगा के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बट इसमें हमें एक और कंडीशन चाहिए होती है। हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं y(x0) = y0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, dy/dx = f(xy) और इनिशियल कंडीशन क्या है, y(x0) = y0। तो हम सीधा देखते हैं कि पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, yn = y0 + x0 to x f(x) yn-1 dx। अब इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए आपके पास एग्जांपल क्या आ रही है, एग्जांपल क्या है, dy/dx = x + y = y0 = 1। तो यहाँ पे आपके पास dy/dx = x + y गिवन है, तो आपका f(xy) क्या हो गया, x + y हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, y0 = 1, x0 की वैल्यू आपको 0 गिवन है और y0 आपका 1 है। जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा था, yn = y0 + x0 x f(x) yn-1 dx था। मतलब अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर yn-1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई एन की वैल्यू मिलेगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स नॉट गिवन है और वाई नॉट गिवन है। तो जब हम एक्स नॉट वाई नॉट को पुट करके इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, dy/dx = x + y गिवन है और इनिशियल कंडीशन गिवन थी x0 = 0 and y0 = 0। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आल्सो चेक योर आंसर बाय एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपने पिकार्ड्स मेथड से भी इसकी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्यूशन निकालना है और एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन को भी सोल्व करके उससे कंपेयर भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें गिवन क्या है, अब dy/dx = x + y विद x0 = 0 and y0 = 0। तो हम इक्वेशन में लिख रहे हैं y = y0 + x0 to x x + y dx। ठीक है, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या मिलेगी हमारे पास, ये बन जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे y0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 मिल जाएगा। तो आपका y0 क्या है, 1 है, y = 1 गिवन था, तो वो उसको वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो ये आपका y0 हो गया। तो जब मैंने y0 की वैल्यू पुट करी, ठीक है, तो y1 क्या मिल गया, 1 + 0 to x x + 1 dx। तो इंटीग्रेशन सोल्व करा, y1 किसके इक्वल आ गया, 1 + x + x² / 2। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरी ये आ गई। अब हमने, मेरे पास अब ये y की वैल्यू आ चुकी है y1, तो अब हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में मुझे y2 मिलेगा, बट y2 कैसे मिलेगा, जब मैं इंटीग्रेशन के अंदर y1 की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करा है, y की जगह पे 1 डाला था और 1 क्या है, y0 है। जब मैंने y0 की वैल्यू डाली तो मुझे y1 मिला। अब y2 निकालना है, y2 निकालना है तो मुझे y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या बना, y2 = क्या आ जाएगा, y0 + 0 to x x + y1 dx। y1 क्या है आपका, 1 + x + x² / 2। तो मैंने यहाँ पे y1 की वैल्यू डाल दी, 1 + x + x² / 2। तो y2 = क्या आ गया, 1 + 0 to x x + 1 + x + x² / 2 dx। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + x + x² + x^3/2।
सिक्स, तो इससे मुझे वाई टू मिल गया, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गई। हमने सॉल्यूशन फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए वाई थ्री निकालना है, वाई थ्री के लिए हमें इंटीग्रेशन में वाई टू की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वाई थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, एक्स प्लस वाई टू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वाई थ्री है तो वहाँ पे मैंने वाई टू की वैल्यू डाल ली, तो क्या बन जाएगा, वाई थ्री इज इक्वल टू वन प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री बाय सिक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करी तो मेरे पास क्या आ गया, वाई थ्री इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाय 24। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, फोर्थ निकलेगी तो वहाँ पे मुझे वाई फोर मिलेगा, वाई फोर निकालने के लिए मुझे वाई थ्री की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वाई थ्री की वैल्यू क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री बाय थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाय 24। तो वाई फोर इज इक्वल टू किसके आ गया, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स नॉट टू एक्स, एक्स प्लस वाई थ्री डी एक्स। तो वाई थ्री की वैल्यू डाली तो y4 इंटीग्रेशन करने के बाद y4 की वैल्यू मिल जाएगी, y4 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 120। अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, फिफ्थ निकालने के लिए आपको y4 डालना पड़ेगा, तो आपके पास y5 कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 60 प्लस एक्स की पावर 6 बाई 720। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने फिफ्थ अप्रोक्सीमेशंस निकाल दी बाय पिकार्ड्स मेथड। आगे उसने बोला था कि हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकालना है, एग्जैक्ट आपने कैसे निकालना है, आपको गिवन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन था, वाई को मैं लेफ्ट साइड ले आया तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर करा तो पी की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन, और क्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो p कितना आपका माइनस वन, तो माइनस वन की इंटीग्रेशन माइनस एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e की पावर माइनस एक्स आ गया। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू डाली, कितना आएगा, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन सोल्व करी, यू इंटू वी वाला मेथड लग जाएगा, इंटीग्रेशन आपको सोल्व करनी आती है, तो जब आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाई और लास्ट में ई की पावर माइनस एक्स को डिवाइड भी कर दिया है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, जो सी हमारा कांस्टेंट था, हमें इनिशियल सॉल्यूशन गिवन था, इनिशियल सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन था, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है और वाई नॉट की वैल्यू वन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे, वाई की वैल्यू वन मिलेगी, आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, टू। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 डाली, तो उसके बाद e की पावर x की एक्सपेंशन लिख दी मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल सो ऑन। यहाँ पे कैलकुलेट करा तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 60 प्लस एक्स की पावर 6 बाई 360। अब आप देखेंगे जो हमने पिकार्ड सॉल्यूशन से सॉल्यूशन निकाला था और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करा, तो आप देख रहे होंगे कि एक्स की पावर 5 तक आपकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसी अगर 6 अप्रोक्सीमेशन तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, तो आगे आप अगर अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे सोल्व, तो आपका सॉल्यूशन और पास
आना शुरू हो जाएगा, बट यहाँ पे फिफ्थ एक्स की पावर तक आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।